दर्शकों, मैं दिव्या खोबरे और आप देख रहे हैं जेटीवी भारत। आइए रुक करते आज के मुख्य समाचारों की ओर। तिजारा विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी बाबा बालकनाथ ने सभी क्षेत्रवासियों का आभार व्यक्त किया और क्षेत्र में शांतिपूर्ण मतदान के लिए लोगों को धन्यवाद दिया। चुनाव समाप्ति के बाद तिजारा विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी बाबा बालकनाथ का आमजन के लिए यह पहला संदेश था। उन्होंने कहा कि तिजारा की जनता ने पूरे राजस्थान की जनता को भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने का संदेश दिया है। इस अवसर पर राजस्थान के सीएम बनने के प्रश्न को वे टाल गए। क्या कहना चाहेंगे सर तिजारा विधानसभा और राजस्थान की जनता को? देखिए, ये चुनाव बहुत अद्भुत था। विकास व्यवस्था और कानून व्यवस्था जी, उसी के साथ साथ में सनातन धर्म संस्कृति की भावनाएं, आत्मीय भावनाएं, व्यक्तिगत लगाव, आत्मीयता से चुनाव हमारी पूरे तिजारा क्षेत्र की जनता ने लड़ा है और विशेषकर हमारे तिजारा की माताओं ने, बहनों ने इस चुनाव के अंदर जो उत्साह से वोट किया है, भाव से, मन से वोट किया है, वो अद्भुत था। हमारे नगर परिषद भिवाड़ी में भी बहुत उत्साह, हमारे जो यहाँ नगर परिषद भिवाड़ी में शहर में लोग रहते हैं, उन्होंने भी बहुत उत्साह से वोट किया है। ऐतिहासिक 72% से अधिक उनका मतदान रहा। बिल्कुल, तो सभी कार्यकर्ताओं ने जी जान से मेहनत की है और आप देख रहे हैं कि आज चुनाव खत्म भी हो चुका है लेकिन आज भी उतना ही उत्साह लोगों में है। और इसके साथ साथ देश भर से लोगों ने, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात, चारों तरफ से, मतलब एक तरह से आप देख, कर्नाटक तक के लोग आए हैं, उड़ीसा तक के लोग आए हैं चुनाव में, उनका भी बहुत सहयोग रहा है। सब ने आए भी फ़ोन के माध्यम से, जहां जिनकी जो जानकारी थी, किसी को भी कोई था कि वो फलाने का मित्र वहां रहता है तो उसने भी उससे फ़ोन करवाए। तो बहुत आनंद से भरा चुनाव रहा है, भावनाओं से भरा चुनाव रहा है, लगाव से भरा चुनाव रहा है। बहुत उत्साह से चुनाव लड़ा और बहुत उत्साह से चुनाव को जीता जा रहा है और इस चुनाव के माध्यम से राजस्थान में भी बहुत अच्छे से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में तिजारा की जनता ने बहुत अच्छा माहौल खड़ा करने का कार्य किया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी, मतलब मैं मानता हूँ कि केवल सीट देना, जीतना ही नहीं बल्कि विधानसभा चुनाव 2023 में तिजारा विधानसभा के लोगों ने चुनाव को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लाकर और कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने का काम ही पूरे राजस्थान भर के कार्यकर्ताओं में यहाँ तिजारा के लोगों ने किया है। मैं बहुत आत्मीयता से सबका धन्यवाद करता हूँ, मन के भाव से धन्यवाद करता हूँ और बस वही प्रार्थना कि आप सबका सानिध्य रहे और भगवान की कृपा इस प्रकार से हम सब पर रहे कि हमारी सेवा को सफल करें। धन्यवाद। महाराज जी, तिजारा की जनता विधानसभा में पहुंचने के साथ साथ उनका ये भी मत है कि वो आपको एक सीएम के चेहरे में देख सकती है। जी चले अपन।